पारस का भगवान। What rubbish! जानवी, अपने पिताजी को जोर से छापड़ मार दो। हेलो दोस्तों, राम राम। शैतान मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर इतना भयंकर होगा, पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, डरते बाद में। सॉरी, मैं अपनी बेटी को फोन करना चाह रहा था, मेरा फोन का बैटरी काउंट ऑफ कर गया। 10-15 मिनट का सवाल है, 400 में चला देना। बैठिए मैं आप शायद समझे नहीं, मैं नहीं जाने वाला। जानवी, अपने डर को बोल क्या कर रही हो? जानवी, साइड हो जा। जानवी, चाय पत्ती खा जाओ। अब मैं आपको स्लैप करूं जोर से? बस वो मेरे कठपुतली है उसका भगवान। What rubbish! जानवी, अपने पिताजी को जोर से छापा मार दो। मुझे आपकी बेटी को यहाँ से ले जाना जरूरी है, आपके आशीर्वाद के साथ। पहले जाने तो वहां से तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई भी बात सुना जाए तो चाकू भूक जाना। ओके, थैंक्स। आर माधवन ने जो इसमें एक्टिंग की है ना, वे बहुत बड़े तांत्रिक बने हैं। और ये मूवी गुजराती मूवी बस के 2 copy मूवी है। उसमें भी वो जो तांत्रिक होते हैं वो आते हैं और कहते हैं मुझे अपना फोन चार्ज करना है अपनी बेटी के और बेटी को कॉल लगाने के लिए, और फिर वो सब पे कब्जा कर लेते हैं। इसमें भी बहुत दिखाया गया ऐसा, मतलब ट्रेलर ऐसा है ना, मूवी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। हमने बस मूवी नहीं, छोटी छोटी क्लिप देखी, उसमें भी ऐसे दिखाया जा रहा था, पर ये हिंदी में आई इतनी भयानक थी ना ये। पहले तो वो उनके घर में प्यार से जाते हैं, उनके जूते में कितनी गंदगी लगी होती है, गोबर लगा होता है, और वो उनके घर में जाके बैठ जाते हैं, पूरे घर पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लड़की पे कब्जा करते हैं, जानवी पे कब्जा कर लेते हैं। जब जानवी पे कब्जा कर लेते हैं ना, तो पूरा घर उनसे कांपता है। वो कहते चाय खा जाओ, वो चाय खा लेते, कहती पापा को जोर से झापड़ मारो, वो जोर से झापड़ मारती है और कहती मैं सोने जा रहा हूँ। वो लास्ट में कहती मैं सोने जा रहा हूँ, कोई भी मेरे पास आए तो चाकू गुजर देना। फिर इसके बाद में कितना भयानक दिखाया जाता है, कहते तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी लड़की को, आर माधवन ने उनकी लड़की को अपने बस में कर लिया था। तांत्रिक थे वो, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, यहाँ विभूति लगाते हैं और फिर उनका बहुत बड़ा साम्राज्य दिखाया जाता है। इतना भयानक ट्रेलर शायद ही किसी मूवी का रहा होगा। मूवी तो कितनी भयानक होगी, जब मूवी देखेंगे ना तो छक्के छूट जाएंगे सबके, क्योंकि जब थिएटर में ऐसी आवाज आएगी ना, थिएटर में ऐसा दिखाया जाएगा तो बहुत भयानक होगा, आंखें निकल के बाहर आ जाएंगे, इतना भयानक होगा, मतलब कब जाएगी रूह, कब जाएगी कि एक साधारण सा देखने वाला इंसान क्या कर सकता है। वो साधारण होते ही नहीं है। जंगल दिखाया जाता है जहाँ वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं, शायद वो सबको ले जाके वहीं बंद करते हैं और वहीं पर सबको ऊपर तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना मूवी में ये है ना,
कि तंत्र विद्या से अपनी बेटी को अजय देवगन आज़ाद करा पाते हैं या नहीं करा पाते। ये एक पिता की और एक तांत्रिक बाबा की भेंट होने वाली है। इसमें कौन जीतेगा, शैतान जीतेगा या इंसान जीतेगा, और वो शैतान क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, और वो अजय देवगन के घर में ही क्यों होते हैं, उनकी लड़की को ही क्यों बस में करते हैं। वो किसी और को भी तो कर सकते थे ना, उनकी बीवी को बस में कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनको बेटी को बस में किया। और बेटी क्या तोड़ फोड़ मचाती ना, तावड़ तोड़, जिसको चाहे वो कहते चोर से मारो अपने आप को, तो बहुत तेजी से मारते हैं और उसके यहाँ से खून निकलने लगता है। ना चाहते हुए भी ना अजय देवगन उनके साथ कुछ भी नहीं कर पाते, ना उनको भगा पाते, ना उनको रख पाते, क्योंकि वो इतने शैतानी, नाम ही उनका ऐसा शैतान रखा गया, बहुत खतरनाक टेलर था। इसमें जो इसके जो निर्देशक है ना, विकास बहल ने, वो उनका सामना एक बार शायद शैतान से हुआ होगा, तभी तो उनके शैतानी दिमाग में शैतानी मूवी आई, और शैतान नाम भी उसका वैसे ही रख दिया शैतान, जिसको देख के ही इंसान डर जाए। आर माधव ने इतनी भयानक एक्टिंग की है ना, इतनी भयानक, ऐसे लग रहा था कि आर माधव पूरी तरीके से शैतान है और अजय देवगन पूरी तरीके से इंसान है, जो मजबूर है, एक बेटी के बाप है, एक पारिवारिक इंसान है, और उनकी लड़की को वो जंगल में ले जाते हैं और वहाँ बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं, एक साथ लास्ट में दिखाया था बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं, और वो तंत्र विद्या से उन हाथ का क्या करते हैं, वो इतने सारे हाथ कहाँ से आते हैं, किसके हैं, ये सब कुछ हमें मूवी में देखने को मिलेगा। और ये मूवी 8 मार्च को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। तो अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर, डरावनी, तांत्रिक विद्या पर आधारित, बसीकरण, क्योंकि बस में कर लेते हैं अपनी उनकी लड़की को, बसीकरण, इन सब चीज़ों की मूवी देखनी है ना, तो शैतान से अच्छी मूवी कोई नहीं होगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं और हम सलाह देते हैं कि अगर ऐसी मूवी देखना पसंद है, और अगर मूवी देखना पसंद है ना थोड़ी डरावनी, तो शैतान नंबर एक की मूवी होगी। डरावनी भी होगी, थ्रिलर से भी भरपूर होगी, सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया, क्योंकि इसमें दो सीन दिखाई गए, एक जंगल की सीन दिखाई गई जिसमें बहुत सारा गुफा जैसी दिखाई गई, फिर वहाँ बहुत सारे हाथ दिखाए गए, और एक सीन दिखाई गई जो वो घर में होते हैं और घर पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, एक लड़की को कब्जा कर लेते तो वो घर पूरा ही उनके कब्जे में आ जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि शैतान मूवी का ट्रेलर देख के आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाली लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कभी शैतानी खोपड़ी से कमेंट निकालिए और टैप करके तुरंत भेज दीजिए हमको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।